तो गाइस अब हम वाइब्रेशन टेस्ट करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड मीटियोर 650 का। तो देखते हैं इसमें कितनी वाइब्रेशंस है या नहीं है। तो ये पीछे जो हमने ग्लास रखा है इसको हम मॉनिटर करवाते रहेंगे आपको, और उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा रेव करके भी बताएंगे। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, एक 650 सीसी के हिसाब से काफ़ी मिनिमम वाइब्रेशंस है इसमें। मतलब इतना ऑब्वियसली रहेगी क्योंकि पैरेलल ट्विन इंजन है, थोड़ी वाइब्रेशन रहेगी उसमें। बट बाकी अगर दूसरी बाइक से कंपेयर करें हम, तो उस हिसाब से फिर भी काफ़ी डिसेंट अमाउंट की वाइब्रेशन थी। मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि ग्लास स्पिल हो गया हो। तो इस हिसाब से ये टेस्ट में पास हो जाती है।